सात ताल में आज है हमारा दूसरा दिन और अभी हम सीधा उसी सेम जंगल में जा रहे हैं जहां कल इवनिंग में गए थे। अभी सुबह सात ताल एकदम खाली पड़ा है और यहां कोई भी टूरिस्ट नहीं है। अक्टूबर से मार्च के महीने में जब यहाँ ढेर सारी बर्ड्स आती हैं तो उस टाइम पे और भी फोटोग्राफर सुबह सुबह मिल जाते हैं, लेकिन अभी गर्मी के मौसम में यहाँ कोई नहीं है। इतनी सुबह तो यहाँ कोई टिकट लेने वाला भी नहीं है। ये जगह पहाड़ों के बीच एक वैली में है जो घने जंगल के अंदर है। इसको स्टूडियो के नाम से भी जाना जाता है। अभी तो अच्छी लाइट हो गई है, लेकिन थोड़ा और पहले यहाँ बर्ड्स के अलावा जानवर भी देखने को मिल जाते हैं। ये रास्ता सीधा वाटरफॉल की ओर जाता है जो करीब 1-2 किलोमीटर अंदर है, और अंदर के रास्ते आपको जिम कॉर्बेट के घने जंगल की याद दिलाएंगे। तो ये आ गया है सात ताल का फेमस स्टूडियो पॉइंट, जहां पूरे भारत से बर्ड फोटोग्राफी के लिए लोग आते हैं। और आते के साथ ही यहां हमें लेक के उस पार मिल गया एक सुंदर सा जानवर। ये है बार्किंग डियर और ये यहां तभी दिखते हैं जब यहां लोग कम हो और इनसे बहुत दूर हो। स्टूडियो में ये पहली बर्ड मिली और ये बहुत ही सुंदर है। ये है वर्डिटर फ्लाई कैचर और धरती पे उछल कूद के खाने को ढूंढता ये है वाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रश। अभी तो यहाँ बहुत एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो लेक के थोड़ा पास जाके देखते हैं। ये है पूर्णा ताल। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है जानवरों और पक्षियों के पानी पीने के लिए। अभी तो इसमें पानी बहुत कम है, लेकिन जल्दी मॉनसून में इसमें और पानी भर जाएगा। ये है वेज टेल्ड ग्रीन पिजन। ये कबूतर भी यहाँ का एक आम पक्षी है। ये छोटी सी बर्ड है ग्रीन बैक टिट। ये भी यहाँ की एक आम पाई जाने वाली चिड़िया है।
बर्ड्स की आवाज़ तो चारों ओर से आ रही है, लेकिन उनको देख पाना आसान नहीं है। इस प्रकार के बर्ड वॉचिंग एक्टिविटी के लिए बेस्ट है अगर कोई गाइड या एक्सपर्ट आपके साथ हो। अगर आप बर्ड्स में इतने इंटरेस्टेड नहीं भी हो तो इस नेचुरल जगह पे आपको आके बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ फिर से वही ब्लू वाली चिड़िया मिल गई। पिछले साल मैंने इसको सात ताल में ही पहली बार देखा था। ये सुंदर सी छोटी चिड़िया फ्लाई कैचर परिवार की है, जो छोटे मक्खियों को खाती है। ये एक और बर्ड मिली जिसका नाम है ऑरेंज हेडेड थ्रश। इसको हिंदी में मालागीर या नारंगी कस्तूरा भी कहते हैं। ये सारे बर्ड्स पहाड़ों और जंगलों में हमारे आसपास ही होते हैं, बस हम इन पे कभी ध्यान नहीं देते। अब वापस से लेक के पास वाले स्टूडियो पॉइंट पे ही चलते हैं, क्योंकि घने जंगल में बर्ड को ढूंढ पाना और भी कठिन होता है। और यहाँ एक वाइट थ्रोटेड किंगफिशर मछली पकड़ने के आस में बैठा है। ये वेस्ट बंगाल का स्टेट बर्ड यानी राज्य पक्षी है। यहाँ एक बड़ी सी मछली भी घूम रही है। ये इस किंगफिशर से 10 गुना अधिक बड़ी है। वैसे मुझे इस फिश के बारे में कुछ नहीं पता। हम वापस से इस स्टूडियो पॉइंट पे आ गए हैं, लेकिन कोई खास बर्ड की एक्टिविटी अभी भी नहीं हो रही है। वहां से निकल के हम रोड के किनारे ही जंगल के पास ब्रेकफास्ट बनाने आ गए हैं। मैंने अपनी कार में ये सेटअप लास्ट ईयर बनाया था, जिसमें कुकिंग और सोने के लिए पूरा सेटअप है। मुझे तो कुकिंग का इतना कुछ नहीं पता, लेकिन मेरी वाइफ नेहा एक बहुत अच्छी कुक है और हर बार की तरह आज भी वही कुछ बनाने वाली है। स्पेशली व्हेन आपको जॉब करने की आदत ना हो, आप हाथ से करते हो। पहली बार मैं देखूंगा बनाते हुए, सही बनती कैसे? इट्स वेरी इजी। ये सेटअप मैंने कैसे बनाया आप मेरे चैनल पे पिछले साल की वीडियो में देख सकते हैं। आज ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल वाली सेवई बनाई जा रही है। नेचर में खुद से कुक करके खाने का अपना अलग ही मजा है, और आप भी ये छोटे से सेटअप के साथ अपने कार में कर सकते हैं।
घर में तो ये हम हमेशा ब्रेकफास्ट में खाते हैं, लेकिन आज नेचर में खाने का अलग ही आनंद आने वाला है। अच्छा तीखा तो नहीं बन रहा? और ब्रेकफास्ट के बाद हम आ गए हैं पास के ही एक और ताल पे, जिसका नाम है गरुड़ ताल। गरुड़ ताल को राक्षस ताल या दानव झील के रूप में भी जाना जाता है। इस ताल को नैनीताल का सबसे साफ ताल माना जाता है। और मुझे इसमें ढेर सारी मछलियां मिल गई। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिए।